हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम महेश यादव है। दोस्तों, आप बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं, आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं तो आपको जो है दो बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर के पूछ भी रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में अराउंड 20,000 वैकेंसी आया है, तो आप जो है बैंकों में भी अच्छे खासे वैकेंसी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग अपना आईबीपीएस का वैकेंसी है उसमें आपको और वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एसएससी में ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आ रही है, तो बैंकों के ऊपर भी जो है प्रेशर बढ़ा है और बैंक में भी जो है अच्छे खासे वैकेंसी आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकता है, या जो अभी आईबीपीएस का एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसमें और वैकेंसी ऐड आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे बैंकिंग एस्पायरेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अब बैंकिंग पेरेंट के लिए एग्जाम जो है काफी आसान हो गया। टायर वन तो आपका सेम रहेगा, जीए का 25 क्वेश्चन पूछता था, 50 मार्क्स के लिए जो है पूछा जाएगा। टायर सेकंड में दोस्तों 25 क्वेश्चन जीए का ऐड किया गया है और वो 75 मार्क्स के लिए है, और कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स के लिए रहेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप जीए का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद कंप्यूटर की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, तो आपके लिए एग्जाम जो है आसान हो गया। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है और आप सभी बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए, बैंकिंग कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर, क्या मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? यस दोस्तों, आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए। आज हम लोग इसको लेकर के 8:30 PM में लाइव आएंगे, आप लाइव जुड़ करके आपके जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका डिटेल मैं आपको हाईलाइट करके एग्जाम पैटर्न अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हूं, जाकर के आप लोग जो है उसको देख लीजिए, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मैं आपका जीए में हेल्प करूंगा। जीए का एक कंप्लीट मैं कोर्सेस लेकर के बहुत जल्दी अपने ऐप पर आने वाला हूं, तो आप लोग ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं। और कंप्यूटर का भी जो है काफी आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और दोस्तों, एसएससी सीजीएल का प्रोसेस जो है काफी फास्ट होने वाला है, तो आप लोग जो है जरूर अप्लाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए, आपको जॉब जो है जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।